गाइज, रियलमी ने अपने एक काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, रियलमी जी टी नियो 5 SE। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। ये स्मार्टफोन किलर स्पेक्स के साथ आता है, वो भी ज़बरदस्त प्राइसिंग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी रियलमी जी टी नियो 5 SE का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों के बारे में बात करेंगे और एंड में आपको इसकी प्राइसिंग और इंडिया में कब तक आएगा वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, ऐसी और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसा कुछ बॉक्स मिलता है हमें। इसे ओपन करने के बाद ब्लैक कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलेगा सिम इजेक्टर पिन, यूजर मैनुअल और स्टार्टअप गाइड, और साथ में एक सॉफ्ट ब्लैक प्लास्टिक केस भी। और फोन के नीचे हमें मिलता है 100 वॉट का सुपर बुक चार्जर विथ अ टाइप A2C डेटा केबल। लुक वाइज ये टिपिकल रियलमी फोन्स की तरह ही है, कंप्लीट प्लास्टिक बिल मिलता है। पीछे डुअल रिंग कैमरा मॉड्यूल डिजाइन है जिसमें कि ट्रिपल कैमरास प्लेस्ड है। बाय द वे, इसमें आपको दो कलर्स का ऑप्शन मिलेगा, ग्रेडियंट कलर जो कि थोड़ा फ्लैशी है एंड एक और ब्लैक कलर है। 8.9 mm की थिकनेस है एंड वेट 193 grams के राउंड है। फ्रंट में सेंटर पंच होल वाली फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। डिस्प्ले के स्पेक्स बताऊं तो 6.74 इंचेस की 10-bit AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 1.5K के रिजोल्यूशन वाली। ये 1080p से ज्यादा है और 2K से कम, मतलब कि दोनों के बीच का रिजोल्यूशन है। और साथ में मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट, 360Hz टच सैम्पलिंग रेट एंड 1500Hz इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट। गेमिंग के लिए तो ये सेगमेंट का बेस्ट डिस्प्ले है। 1400 nits की पीक ब्राइटनेस है विच इज ब्राइट एंड वेरी गुड। 2160Hz की PWM डिमिंग भी मिलती है, साथ में वाइड बैंड L1 एंड HDR10+ सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अंडर डिस्प्ले प्लेस्ड है। ओवरऑल Realme GT Neo 5 SE आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले ऑफर करता है विच इज बेस्ट फॉर बोथ कॉन्टेंट कंजम्पशन एंड गेमिंग। Realme GT Neo 5 SE Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 प्रोसेसर के साथ आएगा, पेयर्ड विथ Adreno 725 GPU। कुछ दिनों पहले ही Redmi Note 12 Turbo भी Snapdragon 7+ Gen 2 के साथ ही लॉन्च हुआ है, जो कि इंडिया में Poco F5 के नाम से आएगा इसी मंथ में। उसकी प्राइसिंग भी Realme GT Neo 5 SE के सिमिलर है एंड ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। Redmi Note 12 Turbo aka Poco F5 के अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर लेना। नाउ Snapdragon 7+ Gen 2 की बात करें तो ये बहुत ही पावर एफिशिएंट एज वेल एज बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर भी है। 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, 2.91 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड मिलती है एंड इसमें आपको ज़्यादा हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलता है। वैसे इस फोन में 4500mm स्क्वायर 3D टेम्पर्ड वेपर चेम्बर भी दिया गया है हीट को मैनेज करने के लिए। और साथ ही इस फोन में आपको LPDDR5X टाइप रैम एंड UFS 3.1 टाइप स्टोरेज मिलेगा। 1 million के अराउंड इसका N22 बेंचमार्क स्कोर आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी एंड अच्छी खासी गेमिंग भी आप इस पे कर पाओगे। Realme GT Neo 5 SE Realme UI 4.0 के साथ आएगा, जो कि काफी सारे लोगों का फेवरेट UI भी है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में। कैमरास की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 megapixels का प्राइमरी सेंसर विदाउट OIS, सेकेंडरी 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंड टर्शरी 2 megapixel का मैक्रो कैमरा दिया गया है। प्राइमरी कैमरा में ओमनीविजन का सेंसर यूज करा गया है और OIS का सपोर्ट भी नहीं है, तो इस कैमरा से आपको डिसेंट आउटपुट मिल जाता है। 8 megapixel के अल्ट्रा वाइड लेंस के रिजल्ट भी एवरेज से ही है एंड 2 megapixel के मैक्रो के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है। फ्रंट में 16 megapixel का सेल्फी शूटर मिलता है विच इज ऑल्सो डिसेंट। वीडियो रिकॉर्डिंग में रेयर कैमरा मैक्स सपोर्ट करता है 4K 30fps एंड फ्रंट 1080p एट 60fps। ओवरऑल कैमरा सेटअप डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। ये 5500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है विथ 100W सुपर बुक चार्जर, जो कि डिवाइस को सिर्फ 10 मिनट्स में अराउंड 50% एंड 32 मिनट्स में कम्प्लीटली 100% चार्ज कर देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है 5500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग की, इट जस्ट ऑसम। इसके बाकी फीचर्स के बारे में बताऊँ आपको तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिल जाता है। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट सभी सेंसर्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी वाईफाई 6 है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है और NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। 3.5mm जैक FM रेडियो का सपोर्ट, ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी। अब इसके लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है टोटल 4 वेरिएंट्स में। बेस वेरिएंट 8GB प्लस 256GB अराउंड 23,800 रुपीज में लॉन्च हुआ है एंड टॉप वेरिएंट 16GB प्लस 1TB अराउंड 30,900 रुपीज में लॉन्च हुआ है। इंडिया में कब तक आएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के 3rd week के एंड तक ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा एंड इंडिया में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 28 to 30,000 रुपीज देखने को मिल सकती है
वैसे इसका एक बड़ा भाई भी है Realme GT Neo 5, वो भी चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड ग्लोबली वो Realme GT 3 के नाम से आया है। उसके वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो एंड चेक आउट। एंड बाकी आपका Realme GT Neo 5 SE के बारे में क्या ख्याल है, किस प्राइसिंग पे इसे लॉन्च होना चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।